इंडिया खिलाफ जब नेट बॉलर था इनका और सिडनी में इनको मैं बॉलिंग जब नेट के अंदर करता था, हार्दिक पांड्या ने मुझे बोला था, क्या राहुल ने जिस तरह मुझे कहा था कि आप बहुत जल्द इंटरनेशनल लेवल पे खेलोगे, तो मैं नेट के अंदर बॉलिंग कर रहा था तो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। जब मैं अभी वर्ल्ड कप में मिला तो उनको वो चीज़ें सारी याद थी। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदेद कहता है। लाहौर से मेलबर्न और मेलबर्न से फिर दुनिया भर के तमाम ग्राउंड्स में अगर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है गुज़श्ता चंद माह में और बड़े महदूद से वक्त में अपनी सलाहियतों को लोहा मनवाया है तेज़ बॉलिंग में, एक ऐसा यूनिट बन रहा है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग कि आज लोग एक मरतबा से फिर वसीम वक़ार और शोएब अख्तर के उस दौर को याद कर रहे हैं जहां पर आपको रफ्तार नज़र आती है। इसी पेस बैटरी के एक सरकर्दा खिलाड़ी, एक अहम रुकन पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हारिस जी। वालेकुम अस्सलाम हारिस साहब, जब भी आप यहाँ पर आते हैं इस वक्त कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, तो आपको अपना जब आप पहली मरतबा यहाँ पर आए वो याद आता है? हाँ जी बिल्कुल, जहाँ से आप आगाज़ करते हो तो आप कभी भूल नहीं सकते, और जब भी यहाँ पर आता हूँ अपने जो कोचेज जो जिनके साथ मैंने स्टार्ट किया, जिन्होंने मेरे साथ काम किया, वो हमेशा याद आते हैं। चंद साल पहले तक आप नेट में बॉलिंग कर रहे थे दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को, उस वक्त आपको यह था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इन दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों के विकटें उड़ाते हुए भी नज़र आएंगे? ऑस्ट्रेलिया से ये सफ़र शुरू हुआ, फिर बाबर आजम आपके साथ हैं, फिर विराट को आपने बॉलिंग की वर्ल्ड कप में, तो ये किस तरह से अपने आप को आपने तैयार किया, ये कैसा सफ़र है? देखिए, जब मैं इनके खिलाफ इंडिया के खिलाफ जब नेट बॉलर था इनका और सिडनी में इनको मैं बॉलिंग जब नेट के अंदर करता था, तो उस टाइम इनको मैंने वहीं पे कह दिया था कि मैं आपको एक दिन आपके खिलाफ इंटरनेशनल मैचेस में भी बॉलिंग करूँगा, कि वो मुझे जिस तरह हार्दिक पांड्या ने मुझे बोला था, क्या राहुल ने जिस तरह मुझे कहा था कि आप बहुत जल्द इंटरनेशनल लेवल पर खेलोगे, क्योंकि जब इनको मैं नेट के अंदर बॉलिंग कर रहा था तो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, और फिर उनको जब मैं अभी वर्ल्ड कप में मिला तो उनको वो चीज़ें सारी याद थी, तो उन्होंने मुझे मिस्टर डिस्कस की, यार आप हमारे जिस तरह वहाँ पर नेट बॉलर थे, हमने आपको जब देखा पहली दफ़ा जब आप बिग बैच खेल रहे थे तो हमें काफ़ी खुशी हुई, यार ये तो वो लड़का है। तो ये चीज़ें बस उनके साथ काफ़ी डिस्कस चलती रही। ये जारी बात है, जब आप अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलते हो तो उनसे आप अच्छी चीज़ें सीखते हो। कोशिश यही करता हूँ कि जो जिनसे नए प्लेयर से मिलूँ उनसे जितना कुछ सीख सकूँ सीखने की कोशिश करता हूँ, चाहे मेरे अपने टीम में है जिस तरह बाबर भाई हैं, जिस तरह अभी उन्होंने एक एनवायरनमेंट सेट किया हुआ पाकिस्तान टीम के अंदर, ये चीज़ एक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट या एक प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिस तरह एक एफर्ट करना ग्राउंड के अंदर, अपना 100% देना, बस कोशिश यही करता हूँ कि आप 100% ग्राउंड के अंदर दूँ। बाबर को आप कराची किंग्स की तरफ से वो खेल रहे होते हैं तो कलंदर्स की नुमाइंदगी करते हुए बॉलिंग करते हैं, फिर आप उनको नेट्स में भी जब आप पाकिस्तान टीम के साथ होते हैं तो बॉलिंग करते हैं, आपने इंडिया के खिलाफ बाबर विराट ये लोग वो हैं, केन विलियमसन को आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो ये दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, इन तीनों में से किसको बॉलिंग करना ज़्यादा मुश्किल है? देखिए, तीनों जिस तरह आपको पता है वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और हर बैट्समैन की डिफरेंट क्लास है। मैं समझता हूँ जिस तरह अभी करंट जो क्रिकेट है इसमें बाबर भाई को बॉलिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिस तरह की वो शॉट्स खेलते हैं वो आपको अच्छी बॉल से भी आपको वो शॉट्स खेल रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से बाबर भाई इस टाइम जारी बात है वो वर्ल्ड नंबर वन ऐसे नहीं है। तो वर्ल्ड नंबर वन इसीलिए है कि उसके पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं या कुछ ऐसी शॉट्स हैं जो वो आपको एज अ बॉलर को आपको हर्ट करता है, तो थोड़ा मुश्किल होता है बाबर भाई को बॉलिंग करना। उनको कोशिश करता हूँ टाइट बॉलिंग करूँ, जारी बात है बच्चे बैट्समैन के खिलाफ जब बॉलिंग करते तो आप कुछ सीखते हो, तो बस यही है। भारत के ख़िलाफ़ जो मैच आपने जीता, मतलब कई खिलाड़ियों के करियर ख़त्म हो गए लेकिन वो इंडिया के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप में कामयाबी नहीं मिल सकी, आप उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो भारत के ख़िलाफ़ आप मैच जीते, वो उस मैच से आपको क्या एज एक बॉलर की हैसियत से क्या सीखने को मिला? देखिए, मेरा वर्ल्ड कप में पहला मैच इंडिया के ख़िलाफ़ होना और मेरी ज़िंदगी का इंडिया के ख़िलाफ़ पहला मैच होना, एक ज़ाहिर बात है ऊपर से वर्ल्ड कप हो और प्रेशर तो होता है, वर्ल्ड कप का प्रेशर होता है, ऊपर से इंडिया पाकिस्तान का मैच होना वो प्रेशर होता है, तो शुरू में काफ़ी जिस तरह पहले से ही जब हमारा लाहौर में कैंप लगा यहीं से एक माइंड सेट तैयार करना शुरू कर दिया था कि यार उस मैच में क्या करना है, और जिस तरह एक टीम आपस में जल हुई थी तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं था कि यार हम कोई उनसे मैच हारेंगे, ये तो हमारे माइंड में ये चीज़ आ ही नहीं रही थी कि पूरा जब यहाँ से हमारा जिस तरह आगाज़ हुआ कैंप जिस तरह हमारा कजाफी में कैंप लगा वर्ल्ड कप के लिए, जिस तरह जाके हमने वर्ल्ड दुबई में जाके वहाँ पे जब प्रिपरेशन कर रहे थे, बस हमारे माइंड में एक ही चीज़ थी कि हमने जीतना है बस, और वही एक कॉन्फिडेंस जो टीम के अंदर एक दूसरे को बैक करना, ये चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, और उसकी वजह से ग्राउंड के अंदर फिर जब इंडिया के खिलाफ खेलना और कुछ ऐसा लगा नहीं स्टार्ट में, जारी बात है प्रेशर होता है, जिस तरह शाहीन ने बॉलिंग अच्छा मोमेंटम पकड़ा स्टार्ट में और उसके बाद जिस तरह एक टीम आपस में पहले से माइंड बना हुआ था और बस उसकी वजह से अल्लाह पाक ने कामयाबी दी। शाहीन आफरीदी एक एंड से आउट करते हैं तो दूसरी जगह पे आप सोच रहे होते हैं कि मैंने भी इतनी आउट करने हैं? देखें, शाहीन और मेरा आपस में ऐसा ही होता है कि यार
कुछ बैट्समैन हम टारगेट करते हैं कि यार जिस तरह वो नया बॉल करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो उसको बोलता हूँ कि यार ऊपर से इनको आउट करना है तुमने, बाकी जिस तरह मैं मिडिल ओवर में आता हूँ, डेथ ओवर में करता हूँ, उसमें थोड़ा बहुत अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है। तो ये चीज़ें डिस्कस ज़रूर होती हैं, जिस तरह हसन भाई हैं और वो मोस्ट सीनियर हमारा बॉलर है और उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि वो जिस तरह का जितनी एफर्ट वो ग्राउंड के अंदर कर होता है, मैं नो डाउट उससे काफ़ी कुछ मैं बहुत मोटिवेट हूँ और मैं उनसे उनको फॉलो भी करता हूँ कि यार वो जिस तरह ग्राउंड के अंदर रहते हैं, और शाहीन को जिस तरह शाहीन के साथ आपस में जिस तरह काफ़ी 1.5-2 साल से हम तीनों खेल रहे हैं, शाहीन है, हसन भाई है, मैं हूँ, तो हम एक दूसरे को चीज़ें बता रहे होते हैं यार, एक प्लान करते हैं कि यार ये मैच है, ये प्लेयर्स हैं, इनके खिलाफ़ ऐसी बॉलिंग होनी चाहिए।